जगमग जगमग चांद सितारे, देवी लक्ष्मी के चरण पधारे, व्यापारी के भाग्य सवारे, धनतेरस के बजे नगाड़े। हुआ दीपावली का शुभ आरंभ, नव वर्ष का सफल प्रारंभ। सभी खुशी खुशी गाएं मल्हार, धनतेरस का है त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस दिन बर्तन, सोना और चांदी क्यों खरीदे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धनतेरस शब्द दो शब्दों धन और तेरस से मिलकर बना है। इस शब्द में धन का तात्पर्य पैसों से है और तेरस का नाता 13 अंक से। दरअसल ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 13वें दिन आता है और इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। यह दीपावली के त्यौहार का सबसे पहला दिन है। इस साल धनतेरस कब मनाया जाएगा, यह हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाएगा और उसको मनाने के लिए मुहूर्त क्या है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माँ का पूजन प्रसाद काल के दौरान करना उचित होता है। यह काल सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक चलता है। और इस बार धनतेरस की पूजा करने का मुहूर्त क्या है और कब तक चलेगा, यह हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह त्यौहार माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है अगर इस त्यौहार के दिन माँ की अच्छे से पूजा की जाए तो घर में धन की कोई कमी नहीं होती। इस दिन माँ की पूजा करने के साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे पर दिए भी जलाए जाते हैं। इसके अलावा बर्तन, चांदी या सोने के आभूषण भी खरीदे जाते हैं। इस दिन गहने, रत्न, धातु, घरेलू उत्पादों को खरीदना बहुत शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि इनके खरीदने से आप धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर लेकर के आते हैं। इस दिन लोगों द्वारा चांदी या सोने के सिक्के की पूजा भी की जाती है। मान्यता यह है कि चांदी और सोने जैसी चीज़ों को खरीदने से घर में बुरी चीज़ें प्रवेश नहीं करती और घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। धनतेरस से जुड़ी कहानी और क्यों मनाया जाता है धनतेरस। प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र हुआ करता था और उसके पुत्र की मृत्यु को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसके बेटे की मृत्यु उसके शादी के 14वें दिन सर्प के डसने से हो जाएगी। वहीं जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने शादी के 14वें दिन अपने पति को सोने नहीं दिया और साथ ही अपने कमरे के दरवाजे पर अपने सभी गहने, सोने के सिक्के इत्यादि प्रकार के आभूषण रख दिए और पूरे कमरे को दिए की रोशनी से जगमगा दिया। वहीं अपने पति को सोने से रोकने के लिए इस महिला ने अपने पति को कहानियां और गीत सुनाने शुरू कर दिए। इसी दौरान यमराज भी उसके पति को लेने के लिए आ गए, लेकिन दरवाजे पर रखे सोने और अन्य प्रकार के आभूषणों के ढेर और कमरे में अधिक रोशनी के कारण यमराज उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए और वो बाहर खड़े होकर इस महिला द्वारा कहानियाँ और गीत जो कि उसके पति को सुनाए जा रहे थे सुनने लगे। वहीं जैसे ही सुबह हुई तो यमराज चुपचाप वहाँ से चले गए और इस तरह महिला ने अपने पति की यमराज से रक्षा कर ली, जिसके बाद इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा इस दिन लोगों द्वारा सोने और चांदी की चीज़ों को भी खरीदा जाने लगा ताकि इसकी मदद से बुरी चीज़ों को घर से दूर रखा जा सके। एक और कथा के अनुसार धनतेरस के दिन क्षीर सागर से अमृत निकला था और इसलिए ये दिन सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है और लोग इस दिन पूजा करके भगवान से सेहतमंद जीवन की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय सागर से कई प्रकार की चीज़ें निकली थी और इन चीज़ों के साथ माँ लक्ष्मी भी मंथन के दौरान निकली थी, इसलिए धनतेरस के दिन माँ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने शिव जी के साथ पासा खेला था और वो जीत गई थी, इसलिए इस दिन पासा खेलना भी शुभ माना जाता है और कहा जाता है इसे खेलने से घर में लक्ष्मी आती हैं। इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर लोगों द्वारा यमराज जी की भी पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ धनतेरस की पूजा करने की विधि क्या है। इस पूजा का आरंभ पहले गणेश जी का नाम लेकर किया जाता है और इसके बाद गणेश जी को लाल रंग का कपड़ा और ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं।
गणेश जी की पूजा करने के पश्चात आयुर्वेद के संस्थापक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। हालांकि इनकी आराधना करने से पहले भगवान धन्वंतरी की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है और फिर उनका अभिषेक किया जाता है। ये विधि करने के बाद भगवान धन्वंतरी को 9 किस्म के अनाज अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद धन के देवता कुबेर भगवान की मूर्ति को फूल, मिठाई और फल अर्पित किए जाते हैं और इनसे कामना की जाती है कि हे भगवान, घर में धन का अभाव ना हो। इनकी पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को याद किया जाता है और उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है ताकि घर में माँ पैसों की बरकत बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और क्यों महत्व है इस दिन सोना चांदी और बर्तन को खरीदने का और उसकी पूजा विधि क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप धनतेरस से लेकर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। माँ लक्ष्मी आपकी आराधनाएं पूरी करें। धन्यवाद।